नमस्कार भाइयों, आज मैं बनारस के एक आम के विक्रेता के पास मैं आया हुआ हूं। इनसे खुद इनका परिचय जानना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बंटी सोनकर है। मैं रहने वाला गिलर बाजार वाराणसी का ही हूं। हाँ, और मैं ये आम लगाया हुआ हूं। हाँ, ये आम कहाँ कौन सी वैरायटी है? ये आम चौसा है सर। ये कहाँ का है? अपने उत्तर प्रदेश मानिकपुर का। मानिकपुर का, अच्छा। ये चौसा आम लगाए हुए हैं। और ये अच्छा, ये आम आप मानिकपुर से लाते हैं या यहाँ कैसे कहाँ से लाते हैं इस आम को? ये मंडी में आता है सर, पहाड़िया मंडी से। अच्छा, बनारस के पहाड़िया मंडी में आता है, आप वहाँ से ये आम लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, आम के आप बहुत पुराने विक्रेता हैं और हमको बताइए कि बनारस का लंगड़ा आम तो मशहूर है, तो लंगड़ा आम बनारस का और आप जो ये बेच रहे हैं चौसा, इसमें क्या अंतर है? बनारस का लंगड़ा आम बहुत फेमस है सर, लोग बनारसी लंगड़ा बहुत चाव से खाते हैं। लोगों को बनारसी लंगड़ा बहुत ही पसंद है, उसकी अपेक्षा ये चौसा आम होता है, जो बनारसी लंगड़ा कम होने के बाद चौसा आम आता है। इसकी भी टेस्ट, इसकी भी स्वाद अच्छे होते हैं सर, खाने में बहुत मीठा होता। अच्छा, है अच्छा, लंगड़ा का जो गुदा होता है, इसके गुदे में, लंगड़े के गुदे में ये मोटा पतला छिलका होता है और मानिकपुर के चौसे में ये मोटा कोसली होता है। हमको काट के दिखा सकते हैं? जी हाँ, एक तो हमको काट कर दिखाइए। ये बहुत अच्छा सजा करके रखे हुए हैं, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि हम दिखाएं। ये काट करके दिखा रहे हैं, ये विक्रेता के बड़े भाई हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर राजकुमार सोनकर है। अरे वाह, राजकुमार सोनकर जी, ये काट करके हमको दिखा रहे हैं। अरे वाह, तो इसमें आम में बहुत गुदा है भाई, हैं? गुदा ही गुदा है एकदम। इसमें भी गुदा होता है सर, लेकिन मीठा बहुत काफ़ी होता है। अच्छा, लंगड़ा से भी ज़्यादा काफ़ी मीठा होता है। अरे वाह, लंगड़ा से भी मीठा? लंगड़ा से भी मीठा होता है। अच्छा, लेकिन लंगड़ा में जरा सा गुद्दा ज्यादा होता है। हाँ, इसमें जो है गुद्दा कम होता है। हाँ, लेकिन मिठाई के अंदर में लंगड़ा से बहुत ज्यादा मीठापन होता। अच्छा, है अच्छा, ये कब तक रहेगा आपके, ये इसको बेचेंगे आप? ये पूरा अगस्त तक रहता है सर। अच्छा, लंगड़ा तो खत्म हो गया? हाँ, अभी चालू है सर। तो कब तक, लंगड़ा के बाद में तक ये चले? नहीं, ये अभी चलेगा। और ये मजे का भी कम से कम एक आध महीना तक ये चलेगा। तो लंगड़ा तो खत्म हो जाएगा? हाँ, लंगड़ा खत्म हो जाएगा, ये चालू अच्छा, रहेगा सर। लंगड़ा खत्म हो जाएगा तो आप ये चालू रहेगा, ये चौसा आप बेचेंगे है? और ये चौसे का आपका ये है जो आप काट करके हमें दिखाए हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप लोगों को।